हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ आर्यन और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि मैं रेगुलरली नई वीडियोस लाता रहता हूँ। अब दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि कल की टेक न्यूज़ का क्या हुआ, तो आपको बता देता हूँ दोस्तों कि मैं टेक न्यूज़ थोड़े दिन के लिए बंद कर रहा हूँ, क्योंकि टेक न्यूज़ पर ना तो मुझे अच्छे व्यूज़ मिलते हैं और मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपके लिए कुछ यूनिक कंटेंट ढूंढूँ, मतलब कुछ मज़ेदार कंटेंट। ऐसा नहीं कि मैं आपको रोज़ टेक न्यूज़, तो आप कुछ लोग तो सुनते भी नहीं होंगे, सोचते होंगे यार टेक न्यूज़ से हमें क्या मतलब। तो ठीक है, फिर मैं आपके लिए कोई बढ़िया कंटेंट ही ढूंढूँगा। आज बात करने वाले हैं जो ब्लाइंड कम्युनिटी में जिसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, हुआवे स्क्रीन रीडर, जिसे हम लोग न्यू स्क्रीन रीडर के भी नाम से भी जानते हैं। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स ने इसको भर भर के सपोर्ट किया है भाई। ब्लाइंड कम्युनिटी में जितने भी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं बहुत भर भर के उसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि यार वो उसमें ऐसा क्या है, मतलब क्या उसे सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अब पहले आपको ये बता देता हूँ, उसे सपोर्ट आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें इतने डेंजरस डेंजरस चीज़ें हैं जिन्हें अगर मैंने आपको बता दिया तो फिर आप उस स्क्रीन रीडर को यूज़ करना भी भूल जाओगे। तो फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या ख़तरनाक चीज़ है। अब आपको अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जब टॉकबैक आया था तो उसमें ये सब नहीं था और इसमें तो पहले से ही ये है। तो आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो टॉकबैक का जो ओपन सोर्स लाइसेंस है ये उसी पर चलता है। टॉकबैक से इसने काफ़ी टॉकबैक का इसने कोड लेके थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस कर दिए हैं और बस बना दिया अपना हुआवे स्क्रीन रीडर। और दूसरी बात ये रही कि भाई जब टॉक बैक आया था तो उस टाइम कुछ और ही समय था, उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व नहीं हुई थी। इस वजह से भी हो सकता है कि टॉक बैक में ज़्यादा फीचर्स ना आए हों। और अब तो भाई कौन सा टाइम चल रहा है, अब तो कैसे भी फीचर्स आ सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको पता हो तो गूगल और हुआवे का रिश्ता पता है, बताऊं दुश्मनी का रिश्ता है। मतलब एक्चुअली वो जो अमेरिकन गवर्नमेंट थी उन्होंने हुआवे पर बैन लगा दिया था, बाकी सारी कंपनीज पर नहीं, सिर्फ हुआवे पर बैन लगाया था कि डील वगैरह उससे नहीं हो सकती। तो फिर हुआवे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पहले तो उसके चिप्स मस्त बना रहा था, चिप वगैरह किरण की जात है, अब भी थोड़े बहुत बना रहा होगा, बट धीरे धीरे उसके कम ख़त्म होते जा रहे हैं चिप सेट्स के, मतलब जो होते हैं ना क्या बोलते हैं, जो प्रोसेसर बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो अब उनकी सप्लाई अमेरिका से तो कट हो चुकी है, अब तो उन्हें सब मैन्युफैक्चर करना पड़ रहा है। तो उन्होंने क्या मास्टर प्लान निकाला, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने सोचा कि अब इंडियंस पे शिकंजा कसा जाए, हम पे ही नहीं सिर्फ जितने जो वर्ल्ड वाइड शिकंजा कसा जाए। आपको पता है जिसके पास हुआवे का फ़ोन होगा ना उसने इसे लीक किया होगा वेब पर, और यह हो सकता है कि हुआवे के जो ऑफिशियल इंजीनियर्स हैं उन्होंने इसे किया हो जिससे वो हमारा डेटा स्टील कर सकें। क्योंकि आप देखिए, चलो जो आप जीशो यूज़ करते हैं, हम चाइना का ये वो भी, बट वो अगर मीडिया और फोटोज़ की परमिशन लेता है तो समझ आता है क्यों ले रहा है। और भाई इसे क्या चाहिए, इसे क्या चाहिए हम पे, हम इसे क्या दे सकते हैं भाई, ये मतलब हमारे मीडिया परमिशन क्यों ले रहा है इसे भाई। ये तो अपनी साउंड थीम्स भी इसमें डाउनलोडेबल नहीं है, इसमें 6 प्री एडिट साउंड थीम्स आती हैं और अपडेट्स में और ऐड हो जाए तो पता नहीं, बट भाई और इसमें क्या मतलब क्या चाहिए, मीडिया का क्या करेगा ये हमारे फोटोज एंड मीडिया का। तो आपको बता देता हूँ ये क्या करेगा, ये अपने एक रिसर्च के मुताबिक ये जो स्क्रीन रीडर है इसमें एक स्पाइवेयर छुपा हुआ है, मतलब एक रिमोट एक्सेस सर्वर है जो जैसे ही आप उसे डाउनलोड करके यूज़ करते होते हो तो कभी बीच में आपके फ़ोन के डेटा को बहुत छोटे बाइट पैकेट्स में वो सेंड कर देता है अपने टेंसेंट वाले सर्वर पर, नहीं हुआवे वाले सर्वर पर सेंड करता है, पर वो स्टोर्ड टेंसेंट क्लाउड में होते हैं। तो यार ये काफ़ी बड़ी बात हो जाती है कि मतलब हुआवे वाले ऐसा कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अब देखो वो कॉन्टैक्ट्स और कॉल की परमिशन, आप बोल रहे हो कि भाई कॉल वगैरह आंसर करता है उसके लिए लेता है,
तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो उसमें जो एक्सेसिबिलिटी के लिए जो क्लिक होता है, जेस्टर यूज़ करके जो हम क्लिक वाला यूज़ करते हैं, जैसे आप बनाते नहीं हो कमेंट्री स्क्रीन रीडर में, जीशो में आंसर का बना देते हो अलग, डिक्लाइन का अलग बना देते हैं, वैसे ही लोगों को बनाने का ऑप्शन देना चाहिए था। ये तो यार सीधा कॉल वगैरह की एक्सेस ले रहे हैं, और अब आपको इसके पीछे भी रीज़न बताता हूँ क्यों ले रहे हैं। इस ये कॉल वगैरह का डेटा डाल देते हैं भाई अपने सर्वर्स पे। अब बोलोगे भाई कॉल हम कौन सा ज़्यादा पर्सनल बात कर रहे हैं, डालने नहीं डालते हैं, तो भाई आप पर्सनल बात नहीं कर रहे, लेकिन आपके दोस्तों को वो फिर फ्रॉड मैसेज भेजेंगे कि आपने इतने रुपए जीत लिए, आपको ये कार मिलेगी, आप यहाँ से ये ले सकते हैं फ्री में, आप वहाँ से आईफोन जीत सकते हैं, ये है वो है, मतलब अलग अलग टाइप के मैसेजेस आपको बना के फिर भेजे जाते हैं। आपका डेटा एक बार मिल जाने का बस उन्हें, फिर तो वहाँ से खेला जाएगा उससे, उसके साथ खिलवाड़ होगा। फिर सही बता रहा हूँ मैं, ऐसे ही करते हैं वावे वाले। और वावे ने क्या किया, अब आपने हारमोनी वॉइस का नाम तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में अगर आपने अभी अभी ख़त्म रखा है तो फिर भी आपको ज़्यादा नॉलेज ना हो, लेकिन मेरी तरह अगर आप 7 या 6 साल के बच्चे पे से ही वो क्या बोलते हैं टेक गीक रहे हो, तो फिर आपको इसके बारे में पता होगा। या दोस्तों वावे क्लेम करता है कि हमने हारमोनी ओएस बनाया है, तो और हमने बनाया है कि उसमें एंड्रॉयड क्या कुछ नहीं है, तो भाई एंड्रॉयड से उसने बहुत सारी चीज़ें ली हैं। और आपको एक चीज़ जानकर हैरानी होगी कि जो उसकी वॉच वगैरह है उनके लिए तो उसने अलग बनाया है वो हारमोनी ओएस, चलो बात सही है, लेकिन जो फोन्स के लिए है वो वही है अपना गूगल एंड्रॉयड AOSP, उसका कोड लेके थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए, गूगल के ऐप्स निकाल दिए, गूगल सर्विस को ख़त्म कर दिया, और बताऊँ और रुक जाओ और बता रहा हूँ, और जो उसका EMUI था उसे ही थोड़ा बहुत लेके न्यू तोड़ मोड़ के गूगल के ऐप्स छोड़ के बना दिया अपना हारमोनी ओएस। हाँ आपने सही सुना दोस्तों, यही है हारमोनी ओएस। और बस और क्या कह सकता हूँ भाई, यही बताना था कि आप भाई इससे ज़्यादा सपोर्ट मत करो, ये आपके लिए कुछ लेके नहीं आने वाला, आपको इससे सपोर्ट करने से कुछ मिलने नहीं वाला, बस आपका डेटा और आपके दोस्तों का डेटा खतरे में, और कुछ नहीं। जिन यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर वीडियो बनाई है भाई, मैं उन्हें यही बोलूँगा कि अगर यार आप थोड़ा सा भी समझ सको तो यार समझ लेना, और अपने उन वीडियोज़ को अगर डिलीट कर देना, क्योंकि भाई अगर आप अपने व्यूअर्स को खतरे में नहीं डालना चाहोगे, मुझे पता है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ जिन यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर वीडियो बनाई है यार उसे डिलीट कर दो, अपने व्यूअर्स को क्यों खतरे में डाल रहे हो, प्लीज़ दोस्तों समझिए आप बात को। मैं मुझसे छोटा भी कोई बड़ा ही कम्युनिटी में मुझसे छोटा होगा वो, तो मैं अगर उसने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई है तो मुझे ही बोलना चाहूँगा कि भाई अपने CSR, चलो CSR तो ठीक ठाक है, मतलब वो इतना डेटा लेता नहीं है, लेकिन भाई कुछ ज़्यादा डेटा ले रहा है, मतलब आपका ये कमेंट्री नहीं हुआ स्क्रीन रीडर है ना आपका, ये कुछ ज़्यादा डेटा उठा रहा है आपके फ़ोन में से, तो इसे इतना सपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर दोस्तों यही था आज की वीडियो के लिए, अच्छी लगी हो तो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। नहीं देखिए ऐसे नहीं सेट करते, देखो पहले आप दबाओगे थोड़ा दब जाएगा ठीक है, फिर अब वहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको ऑल, तो आपको ऑल पे दबाना है और फिर हो जाएगा आपका सेट। उसके बाद जैसे मैं नई वीडियो डालूँगा तो नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे डिलीवर हो जाएगी, हाँ डिलीवर हो जाएगी मतलब पहुँच जाएगी आपके फ़ोन पर सबसे पहले वो तो इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है ऐसे, बट अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो मतलब मैं वीडियो डालूंगा तो उसके बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जल्द से जल्द, तो अगर आपका इंटरनेट अच्छा तो आपको मिल जाएगी नोटिफिकेशन, बाकी तो भाई मैं कुछ कह नहीं सकता, आपकी मर्ज़ी, आप सब्सक्राइब करो या ना करो, पर दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि उन्हें भी इस काले झूठ की सच्चाई पता चलनी चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।